ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बदायूं में दबंगों द्वारा गरीब की भूमि पर कब्जा कर बना रहे मकान। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। और बताएंगे कैसे महाराष्ट्र की, जहां एसएसबी पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने लाखों के जानवर के बाल किए बरामद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद है, गरीब की जमीन पर कब्जा कर मकान बनवा रहे हैं। पड़ोस में पड़ी ग्राम समाज की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित ने थाने से लेकर जिलाधिकारी तथा कमिश्नर तक को की शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। पीड़ित के परिवार को दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार पूरी तरह से खौफ में है। आखिर दबंग के आगे प्रशासन क्यों नतमस्तक है? क्यों नहीं दिलाया जा रहा पीड़ित को न्याय? कहाँ रहते हो? जी, क्या नाम आपका? क्या मामला आपका? मामला ये भूमि वाला है जी। तो जैसे मैंने कानून कार्रवाई हर जगह हर अधिकारी को सूचना दी, डीएम साहब को। भूमि का क्या मामला है? भूमि का जबरदस्ती अवैध कब्जा है जी। तो उसमें और हमने उसे कहा कि पैसे दे दो, हमारे पैसे भी नहीं दे रहे हैं। और तो ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए देंगे, मरवा देंगे। किसे? मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे। आपके लिए जी। आपने शिकायत कहाँ दर्ज की है? शिकायत मैंने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सीओ साहब को, एसपी को, थाना प्रभारी को, कमिश्नर साहब को, हर जगह में गया हूँ जी, लेकिन मेरी कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने दिन से मामला ये चल रहा है? मामला चल रहा है 3-4 महीने से मामला चल रहा है, लेकिन हमने कानून कार्रवाई पहली तारीख से की है जी। बदायूं से सीनियर संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बहराइच में बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 45 वर्षीय पुत्र जगदीश की मौत हो गई। 75 वर्षीय पिता भगवती की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना मोतीपुर क्षेत्र के हसुलिया मोड़ के पास की वारदात, नेपाल से वापस आते वक्त बाइक सवार पिता पुत्र हादसे का शिकार हुए थे। पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजकुमार, कहाँ के रहने वाले? पृथ्वीपुरवा झाला है ना, मोतीपुर। मृतक कौन है तुम्हारे? ये हमारा भाई लगता है। क्या नाम था? जगदीश। क्या उम्र थी? 45। कैसे मौत हुई, कहाँ गए थे? ये नेपाल गया था और हसुरिया पे एक्सीडेंट हुआ। किस चीज़ से थे ये? बैग से। टक्कर किसी चीज़ ने मारे की गिर गए? ये पता नहीं है। कहाँ पर मौत हुई? मौत ये हसुरिया हुई। अच्छा, अकेले थे ये? नहीं, इनके पिताजी भी थे साथ। अच्छा, क्या नाम है उनका? इनका भगवती। क्या उम्र है? उम्र वही 70-75 साल का। वो कहाँ है अभी? यहीं पर भर्ती हुआ है। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है। यहाँ जगदलपुर लोकसभा निर्वाचन के तहत परिणामों के लिए आगामी 4 जून को मतगणना की जाएगी। इसी कड़ी में रविवार को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने जगदलपुर के धर्मपुर स्थित मॉडल कॉलेज में स्ट्रांग रूम का जायजा लेकर मतगणना की तैयारियों का अवलोकन किया। वहीं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निरीक्षण के दौरान मतगणना स्थल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण वर्मा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी भरत कौशिक, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता एके सिंह सहित निर्वाचन दायित्व से जुड़े अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। बस्तर से सीनियर संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोलहुई थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित काशद खैरा घाट के पास सहायक कमांडेंट सुबीर घोष और प्रभारी निरीक्षक आनंद गुप्ता वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गश्त के दौरान विशेष सूचना पर नेपाल से तस्करी कर भारत में लाखों का जानवर का बाल बल बचाया जा रहा है। पुलिस और एसएसबी को देख जानवरों का बाल तस्कर छोड़ फरार हो गए। पुलिस और एसएसबी ने बाल को बरामद कर फॉरेस्ट विभाग को सुपुर्द किया। अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुट गई है। वहीं बरामद बाल की कीमत लाखों में आकी जा रही है। इस संबंध सहायक कमांडर सुबीर घोष ने कहा कि साइकिल से कुछ वस्तु तस्करों द्वारा लाया जा रहा था, हम सबको देख साइकिल छोड़ तस्कर फरार हो गए। जांच के दौरान जानवर का 272 नग पूछ निकला, जिसको वन विभाग को सुपुर्द कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त मौजूद है महाराजगंज जनपद के कुल्हुई थाना क्षेत्र के काश्त खैरा पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने बड़ी संख्या में एक जानवरों का बाल तस्कर द्वारा ले जाया जा रहा था, जिसको एसएसबी और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हालांकि इसकी मात्रा अगर कीमत की बात करें तो लाखों की कीमत का यह बाल यहाँ पे बरामद हुआ है और एसएसबी के जवान और पुलिस के जवान इसको पकड़े हैं। हालाँकि तस्कर जो है इसको छोड़ के फरार हो गए।
कोई हाथ नहीं लगा, लेकिन अगर इसके कीमत की बात करें, तस्करी की बात करें, तो यह महाराजगंज जनपद का सबसे बड़ा बरामदगी है। इस तरह की जो तस्करी होती है, कहीं ना कहीं यह विचारणीय है। जो SSB के जवान और पुलिस के जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं, तस्करी के रोकथाम पे लगातार नकेल कस रहे हैं, उनके हाथ यह बड़ी बरामदगी लगी है। अंगद शर्मा, सी न्यूज भारत, महाराजगंज। एक तरफ बढ़ती हुई गर्मी से जनता परेशान है, दूसरी तरफ मुरादाबाद के बिलारी में बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। मुरादाबाद के बिलारी नगर में लगातार करोड़ों की लागत से बिछाई जा रही पचकेबल, बिलारी नगर के सरकारी अस्पताल से बाजार को जाने वाले रास्ते पर बिजली के खंभे से नीचे लटके पंचकेबल किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। शिकायत नगर के रहने वाले लोगों ने विभागीय अधिकारियों को दी, लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद भी समाधान नहीं कर पाए नगर के रहने वाले लोगों का ये आरोप है। लगातार बिलारी नगर में बिछाए गए पंच केबलों में आए दिन फॉल्ट होते हैं, कहीं जमीन से 5 फीट ऊपर केबल टंगे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कैमरे में कई तस्वीरें ऐसी कैद हुई जो नगर में लटके केबल के नीचे से गुजर रही हैं, वहीं वाहन पर टच होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लाइट चलने पर बड़ी घटना हो सकती है। इस मामले को लेकर फोन पर विभागीय अधिकारियों से बात की गई तो उनके द्वारा कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल नगर के रहने वाले लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है लगातार किसी भी बड़ी घटना का इंतजार अधिकारी कर रहे हैं, अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं बिजली विभाग के अधिकारी होंगे। ये बाजार मोहल्ला अस्पताल रोड है अपना, जूनियर स्कूल के पास। क्या ये केबल जो लटके हुए हैं, क्या करना, कब से ही लटके? इसका तो रोज़ का यही काम होता है, बंच वालों को, बत्ती वालों को फ़ोन किया जाता है, तो जब फॉल्ट होते हैं तभी लोग वो आते हैं। और कल से मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो कोई रिसीवर नहीं दे रहा है, बोले इसमें कोई लाइन नहीं चल रही है, बंच को ऐसे ही रहने दो। कल मैंने फ़ोन किया था। जी कितने समय से लटके हुए हैं? अभी ये कल 8 बजे का टाइम है, कल से ऐसे ही है। लाइट आ रही है साइड में? हाँ लाइट तो आ रही है, अब इस टाइम सिट डाउन ले रखा है इन्होंने, लाइट नहीं है। तो अधिकारी सूचित किया आपने? मैंने बत्ती विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको फ़ोन किया था, कुछ लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था, एक बंदे को फ़ोन किया था मैंने, तो उन्होंने कह दिया, बोले इस बंच में लाइट नहीं है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहा भाई दिक्कत हो या नहीं हो, फिर भी ये बंच नीचे लटक रहा है। कितनी लंबी लाइन है, कितनी लंबाई भी तारनी चाहिए? अब आपको तो देखते हुए 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और जब से मैं देख रहा हूँ डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेता, बहुत जल्दी काफ़ी बार कॉल करने पड़ जाते हैं, उसके बाद भी डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता, काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने पर यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, वो भी अच्छे से काम नहीं किया जाता। कल सुबह मतलब कल 36 घंटे बाद लाइट सही की गई थी, लेकिन उसके बाद भी लाइट रात में ख़राब हो गई दोबारा, फिर उसके बाद दोबारा बुलाया गया, वो भी तुरंत नहीं आया, काफ़ी टाइम लगाया, आधे घंटा लगाया, उसके बाद आके ठीक करा, फिर फेज डाउन हो गया। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और होता है बस यही होता है, और मोस्टली इस एरिया में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता किसी और एरिया में हो रही हूँ, मेरे और भी सारे रिलेटिव्स हैं जो दूसरी जगहों पर रहते हैं बिलारी में ही, वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस एरिया में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये जो आपके पीछे बंच के बीच चंगा है, ये क्या आपको लग रहा है? सही है? सही बिल्कुल नहीं है, आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे उच्चे जाते हैं, अगर ये गलती से गिर गया, अगर करंट आ रहा होगा तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये चीज़ बिल्कुल उसका निवारण करना चाहिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और बस यही। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।